ओके हेलो एवरीबॉडी। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने माई स्टाइलिंग का जो प्रोजेक्ट हमने चालू किया है वेबसाइट का फ्रॉम स्क्रैच, तो इसके अंदर एक फ्रेमवर्क हमें इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद में डेटाबेस भी सेटअप करना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, डेटाबेस और फ्रेमवर्क, जहाँ पर हम पूरा हमारा कोडिंग वगैरह वो सब करेंगे। तो हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं MVC। एक्चुअली ये फॉर्मेट नहीं है, एक डिज़ाइन पैटर्न है। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि एक फ्रेमवर्क हमें अपलोड करना है सबसे पहले, उसके बाद में डेटाबेस सेटअप करना है। सो अभी मैं आपको जो दिखाने वाला वो है एक सिंपल अपलोड प्रोसेस। तो अगर आपको सी पैनल पता होगा, सो फाइल मैनेजर होता है, और फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, और हमें जो भी पर्टिकुलर फाइल्स अपलोड करनी है वो पब्लिक अंडरस्कोर HTML में अपलोड करनी है। सो अभी मैंने जो पहले वीडियो में बताया था, जहाँ पर index.html हमने फाइल क्रिएट कर करके रखी थी और उसके अंदर वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन का टेक्स्ट डाल के रखा था। सो एक नया फोल्डर भी बनाया है V1 करके। तो V1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना पूरा जो वेबसाइट है वो कोड करेंगे। सो अभी जो हमें फ्रेमवर्क अपलोड करना होगा वो V1 फोल्डर के अंदर अपलोड करना होगा। तो आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर भी कुछ इस प्रकार से ही हो सकता है। और जनरली मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप पहले डोमेन बुक करते हो और उसके बाद में आपको अगर कोडिंग करना है, तो कुछ यही उसका बेसिक पैटर्न होगा, वर्क फ्लो होगा, कि सबसे पहले एक index.html फाइल डाल दी और उसके बाद में अगले V1 फोल्डर के अंदर हम लोगों ने काम करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम अपलोड करेंगे और एक फ्रेमवर्क, और वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, ज़्यादा उसमें कुछ हाई फंडू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ वो फ्रेमवर्क के बारे में। दैट इज़ लाइक अ MVC फ्रेमवर्क। ओके, सो MVC फ्रेमवर्क क्या होता है? MVC फ्रेमवर्क एक्चुअली कॉल्ड एज अ मॉडल व्यू कंट्रोल फ्रेमवर्क। ओके, तो ये CWF फ्रेमवर्क एक है अवेलेबल, और इस फ्रेमवर्क में मतलब पहले अपलोड हो जाए, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा उसके फाइल्स और फोल्डर्स कैसे हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोड इग्नाइटर और लार्वेल पता होगा, तो ये फ्रेमवर्क कुछ नियर बाय वैसे ही है। उसके अंदर routes.php भी है, मतलब ये फ्रेमवर्क के अंदर, और मॉडल्स, क्लासेस एंड ऑल दोज थिंग्स आर ऑल्सो देयर। सो अभी फाइल अपलोड हो गई है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले, और एक्सट्रैक्ट भी इसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए। सो एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट हो गया, देखिए रिफ्रेश, ऑटो रिफ्रेश हो गया। नाउ तो मैं सबसे पहले आपको जो है ना, ये पूरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि सबसे पहले index.php फाइल है, और बाद में ये जो इंडेक्स डॉट PHP फाइल है, अभी हाल फिलहाल के लिए इसके अंदर एक रिडायरेक्ट है फ्रेमवर्क के अंदर, जो कि हमें रिडायरेक्ट करेगा इंस्टॉल फोल्डर के ऊपर। और इंस्टॉल फोल्डर के अंदर क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक वेबसाइट के लिए लगती है, जैसे कि डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशंस, और उसके बाद में कंपनी नेम और टाइम स्टैम्प, जो कि टाइम जोन होता है कि कौन से कंट्री से आपका पर्टिकुलर बिजनेस चलने वाला है। सो इंडिया से चलने वाला होगा तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंडिया का टाइम जोन, जो कि है एशिया पैसिफिक, लाइक दैट वे। सो ये होने के बाद फाइनलाइज इंस्टॉलेशन होता है, और उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर कॉन्फिग फोल्डर है, यहाँ पर आपको दो और फाइल्स देखने को मिलेंगी, जैसे जो कि है ऐप और app.php और database.php। ओके, सो ये सबसे पहला जो टास्क है यहाँ पर, फाइल मतलब हम लोगों ने फ्रेमवर्क तो अपलोड कर लिया, लेकिन अभी डेटाबेस क्रिएट करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। सो अभी सी पैनल के अंदर हमें MySQL डेटाबेस के ऑप्शन के अंदर जाना है, और यहाँ पर हमें डेटाबेस और डेटाबेस का यूज़र क्रिएट करना है, और साथ ही साथ उन दोनों को कनेक्ट करना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, नाउ मैं उसका नाम देता हूँ MySTYLINGDB। ओके, आपको जो चाहिए नाम आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्रिएट हो गया, देखिए अभी गो बैक, अभी डेटाबेस तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, अभी हमें क्या करना है, यूज़र क्रिएट करना है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा डेटाबेस एक्सेस करने के लिए एक यूज़र ज़रूरी होता है। तो ये यूज़र जो है, ये पर्टिकुलरली हमारा मेन यूज़र होगा, और ये यूज़र बेसिकली जो भी हमारे बैकएंड के ट्रांजैक्शंस है, मतलब जो भी वेबसाइट के ऊपर होने वाली है, उसको वो बेसिकली ये यूज़र का काम है। ओके, नाउ ये यूज़र नेम हम लोग क्या देंगे, MySTYLINGUSER। ओके, और पासवर्ड अभी रैंडम जनरेटेड, सो ये मैंने कॉपी कर लिया, एंड आई हैव कॉपीड इट, यूज़ दिस पासवर्ड। ओके, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर आ जाएगा, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही मेथड यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है और इसमें हैक होने के चांसेस ज़रा कम है। ओके, सो क्रिएट यूज़र,
और ये यूज़र क्रिएट हो गया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, डेटाबेस और यूज़र को कनेक्ट करना है। सो देखिए यहाँ पर यूज़र सेलेक्ट हो गया है और डेटाबेस भी सेलेक्ट हो गया। अगर आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, मल्टीपल यूज़र्स हैं, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में उसका लिस्टिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर अभी मुझे ऐड करना है। ऐड होने की मतलब एडिंग का प्रोसेस है कि यहाँ पर हमें प्रिविलेजेस देना पड़ता है, ठीक है। अभी ये जो मेन यूज़र, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मेन यूज़र है, तो यहाँ पर हमें इस यूज़र को हर एक प्रिविलेज देनी पड़ेगी। बिकॉज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक मुझे सिलेक्ट करना है और मेरे पास सिलेक्ट की प्रिविलेज नहीं है। लाइक यहाँ पर देखिए ये जो सारे हैं, ये बेसिकली कमांड्स हैं, ठीक है, MySQL के अंदर। तो सिलेक्ट एक कमांड है, उसके बाद में अपडेट और इंसर्ट, ड्रॉप, ये सारे जो कमांड्स हैं। तो ये मेन यूज़र है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑल प्रिविलेजेस एंड मेक चेंजेस, ओके। और जैसे यहाँ पर हो जाएगा, हमें क्या करना होगा, हमें वेबसाइट विज़िट करनी होगी। और विज़िट कैसे करेंगे, /v1, और v1 होने के बाद ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट करेगा इंस्टॉल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर देखिए डेटाबेस नेम क्या है हमारा, माई स्टाइलिंग DB, ओके। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर कन्फ्यूजन है तो ये देखिए माई डेटाबेस नेम, एंड उसके बाद में यूज़र का नाम क्या है, माई स्टाइलिंग यूज़र, और पासवर्ड जो हम लोगों ने कॉपी करके रखा था, वही हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सो नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशंस हो गया। अभी मैंने जैसे बताया था आपको कंपनी नेम, तो कंपनी नेम अभी क्या है, बेसिकली माई स्टाइलिंग, ओके। जो वेबसाइट का नाम होता है बेसिकली दैट इज़ योर कंपनी नेम। लेकिन अगर आपका कंपनी नेम कुछ और है और वेबसाइट का डोमेन शॉर्ट फॉर्म में है, सो यू कैन पुट कंप्लीट फुल नेम ऑफ योर कंपनी। और वो होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम जोन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए एशिया पैसिफिक नहीं होगा, यहाँ पर चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। और उसके बाद में नेक्स्ट, तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन और फाइनलाइजिंग, ठीक है। CW फ्रेमवर्क रेडी टू यूज़, और इसके अंदर हमें नाउ इंस्टॉल फोल्डर को हटा के V1 विज़िट करना है। तो हाल फिलहाल के लिए आपको कुछ ऐसा दिखेगा, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर दो फाइल्स और मिलेंगी। पहले देखते हैं कि वो फाइल्स आई है कि नहीं, ओके। तो देखिए कॉन्फ़िग फोल्डर है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने जैसे बताया था ऐप और डेटाबेस, ओके। अभी क्या करना होगा मुझे, ऐप के अंदर जाके जो पाथ है, ठीक है, वो पाथ को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। बिकॉज़ हम लोगों ने क्या किया है, एक V1 फोल्डर लिया है। V1 फोल्डर मतलब एक डिफरेंट फोल्डर के अंदर हम लोगों ने वो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क डाला है। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे V1/ करना पड़ेगा, ओके। ये क्या है, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए डिफाइन पाथ, और ये पाथ है। तो ये पाथ बेसिकली क्या कहता है कि मतलब अगर आप ये पर्टिकुलर कांस्टेंट यूज़ करते हो पाथ कोई भी URL के आगे, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको हर एक जगह पे डोमेन नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर एक जगह पे ये पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कल को अगर आपने फोल्डर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आपको आके खाली ये V1 को रिप्लेस करके न्यू फोल्डर नेम करना है। तो ऑटोमेटिकली एंटायर साइट के अंदर जितनी भी सारी लिंक्स हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोगों ने V1 कर दिया है, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए माई स्टाइलिंग जो हम लोगों ने पहले एंटर किया था कंपनी नेम, तो वो यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद में टाइम जोन एशिया कोलकाता, ओके। तो यहाँ पर एशिया कोलकाता भी आ गया है। और उसके बाद में ये जो नीचे config/routes.php है, तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि exactly routes.php क्या होता है। अभी हाल फिलहाल के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया है, और उसके बाद में डेटाबेस सेटअप किया है। ये सेकेंड स्टेज है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, कि फ्रेमवर्क इंस्टॉलेशन और डेटाबेस सेटिंग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले config/databases.php, ये भी फाइल यहाँ पर इंक्लूड हो गई है। ऑलराइट, इसको सेव कर लेते हैं पहले, और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो आपको एक अच्छा सा UI देखने को मिलेगा। और ये पहले क्यों नहीं दिख रहा था, बिकॉज़ यहाँ पर जो URLs कॉल हुई हैं, जो भी स्टाइल शीट रिक्वेस्टेड की है, उसके पहले V1 फोल्डर का नाम नहीं था, इसीलिए वो लोड नहीं हुई, और इसीलिए वो रेंडर नहीं हुई प्रॉपरली ब्राउज़र के ऊपर, ओके। अभी क्या है, बचा हुआ फाइल database.php, ओके। तो ये जो database.php फाइल है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स ही है, और डेटाबेस जो इस फ्रेमवर्क में यूज़ हो रहा है, वो PDO ऑब्जेक्ट मतलब PHP डेटा ऑब्जेक्ट नाम का डेटाबेस कनेक्शन का जो मेथड है, वो यूज़ हो रहा है।
और इसके अंदर बेसिक तीन पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो पर्टिकुलर पीडीओ क्लास के लिए, जो कि फर्स्ट होता है डीएनएस, उसके बाद में यूज़र और उसके बाद में पासवर्ड। ऑल राइट, सो डीएनएस मतलब क्या है कि कौन सा प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए MySQL ये प्रोटोकॉल है, और उसके बाद में कौन से होस्ट के ऊपर आप रन कर रहे हो। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी लोकल होस्ट। तो अगर आपको कोई रिमोट डेटाबेस एक्सेस करना है तो यहाँ पर आप वो पर्टिकुलर रिमोट डेटाबेस का जो आईपी एड्रेस है वो डाल सकते हो विद द पोर्ट नंबर। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर डीबी नेम, और ये जो डीबी नेम हम लोगों ने डाला था पहले वो ऑटोमेटिकली ये फाइल के अंदर आ गया है। और साथ ही साथ जो यूज़र नेम है, तो यूज़र ये नेम है ये है, और ये पासवर्ड है। ओके, सो अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है या फिर कुछ यू नो मिस प्रिंट हो रहा है या फिर कुछ एरर आ रहा है तो ये फ्रेमवर्क रन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। सो यहाँ पर देखिए, अगर मैंने सेव कर लिया तो यहाँ पर मुझे एरर आना चालू हो जाएगा या फिर ब्लैंक पेज दिखेगा। ओके, बिकॉज डेटाबेस कनेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस फ्रेमवर्क। अगर डेटाबेस कनेक्शन नहीं है सो यू कांट क्रिएट एनी वेबसाइट फॉर दिस, बिकॉज ये ना कैसा है बेसिकली ये डायनेमिक वेबसाइट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ स्टैटिकली कुछ यू नो टेक्स्ट वगैरह कुछ डालने वाले हो नहीं। आपके लिए यू नो बैकएंड एक CMS ऑटोमेटिकली हम बनाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा, आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए डेटाबेस होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो का यू नो इस वीडियो में यहाँ पर ही रुकते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे routes.php और इसका जो UI है। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि ये सारा UI, अगर मुझे थीम चेंज करनी है और उसके बाद में यू नो लोगो चेंज करना है तो ये कैसे करेंगे, कौन से फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स है। तो अगले वीडियो में मुझे ज़रूर मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए और बने रहिए मेरे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए और अलर्ट बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया बताने का कि ये CWF फ्रेमवर्क जो है ये इसका एक URL है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी URL डाल देता हूँ ताकि आपको वहाँ से डाउनलोड करने को यू नो अच्छा रहे। So thank you for watching guys, bye bye.